हाउ टू क्रिएट अ क्लास। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं मार्कडाउन कर देता हूँ हाउ टू क्रिएट अ क्लास। ओके लेट्स सी। तो क्लास क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्लास लिखना है और क्लास का नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा माय क्लास करके। तो ये जो है वो आपकी क्लास क्रिएट हो गई, और इसके अंदर समझ लो कि मैंने एक एक्स इक्वल टू फाइव यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर दी। राइट क्लियर। तो ये क्या किया हमने, यहाँ पर एक क्लास बनाई एंड वी हैव डिफाइन अ वेरिएबल इनटू अ क्लास। राइट, अब इसको मैं देखो, अब मैं डायरेक्टली क्लास को प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पर वो इतनी सिक्योर्ड है राइट, कि वो हमको किस तरीके से आंसर देगी, कुछ इस तरीके से हमको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टी ऑफ क्लास क्या है, हमारी वेरिएबल। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। राइट, अब इसको जब भी आपको एक्सेस करना है, मतलब आपको जो x की वैल्यू है 5, वो कैसे एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मेरे को मेरी माई क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक बार वापस क्लास बना लेता हूँ माई क्लास। ठीक है, और यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 5 लिया, जो हमारी क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ क्लास है। राइट, अब इसको मेरे को प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ माय क्लास। तो कैसे बनाएंगे, आपको पहले ऑब्जेक्ट का नाम लेना है, कुछ भी लेना है, जैसे मैंने समझ लो कि M1 करके मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया, और माय क्लास जो हमारी क्लास का नाम है वो आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। और अब आप उस x की जो वैल्यू है उसको आप एक्सेस कैसे करोगे, तो यहाँ पे m1.x करके। राइट क्लियर, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ इसको। ठीक है क्लियर, अब यहाँ पर इसको हमने प्रिंट करवा के रन करते हैं, तो देखो अब आप आपकी क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है वो आप एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर m1 जो है आपका, m1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास माय क्लास। ओके, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने उस पर्टिकुलर क्लास की जो x 5 है, x इक्वल टू 5 जो हमारी वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी, तो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मदद से आपने उसको प्रिंट करवाया। तो इस तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर काम करता है क्लास के लिए। आप कोई भी पर्टिकुलर क्लास की प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे, तो उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप यूज़ कर पाओगे। विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट एक्सेस एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास। ठीक है।